आज रात तुम बाहर ही रहो चुपकिया चुड़ैल के साथ, समझी? चलो ना, डर लग रहा है तो बिस्तर पे ना कर देना वरना अम्मा तो और कूटेंगी। कतई टोपा होगा बे, बाहर बहुत अंधेरा है, ऊपर से दिन में वो रचन काका जिन्हें हम बाटी चोखा खिलाए थे शाम को ही निकल लिए हैं। चलो ना हमरे साथ। तो पहले ठीक से बाटी चोखा बनाना काहे नहीं सीख लेती हो तुम? ज्यादा मस्करे ना बनो तुम, समझे? अरे वो तो दिल के दौरे से मरे है, हर मरघटे में वही तो बर रहे हैं। प्रिंस हम ना सुबह तुम्हें गरम गरम पूरियां बनाकर खिलाएंगे, हैं? सुबह का दिवाली है जो हम इतना तेल बर्बाद करने देंगी तुमको? ए मोर भैया, हमारी सुरक्षा का वचन लिए हो ना? सुरक्षा करने का वचन लिए, सुसु कराने का नहीं। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। तू काय कर रही हो, जाके सुसु करो। जूल में उठा दिए, कटरीना का सपना देख रहे थे। तुम्हें चरित्रहीन हो, शादी सुधा का सपना देख तो है। हेलो सोम भैया, सोम 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 सोम
किसको नहीं? वो देखो, ये तो एमएलए का लौंडा प्रताप है, लड़की पे हाथ उठा रहा है। मगर कितनी बार कहे तुमसे हमारा फोन मत चेक किया करो, तुम्हें समझ नहीं आता? हाथ छोड़ो हमारा। नहीं छोड़ेंगे, क्या कर लोगे? बेटा तुम जानते हो हमारा बाप कौन है? क्यों, तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें नहीं बताया तुम्हारा बाप कौन है? देखो हमसे लड़ाना बहुत महंगा पड़ेगा, तुम बता रहे। मेरा सस्ती चीजों का शौक हमें है भी नहीं, शांति से कह रहे निकल लो, क्योंकि क्या है ना हमारा एक उसूल है, पहले आवेदन फिर निवेदन, फिर भी न माने तो दे धनादन। देख लेंगे तुम्हें तो। बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? हाँ, प्यार करते हैं उनसे, ब्याह करना चाहते हैं। बढ़िया है, वैसे तो ब्याह घर वालों की मर्जी से करना चाहिए, लेकिन अपनी पसंद से करना भी ठीक है। बहरहाल जिससे भी करो, इंसान तो ऐसा चुनो जिसके साथ अपनी उम्र का ढलता सूरज तो देख सको। क्या है ना, सनसेट पॉइंट और सुसाइड पॉइंट में फर्क होता है। जाओ घर जाओ और सोचो इसके बारे में। ओ हलचल। जी भैया। मैडम को रिक्शा करा दो बे। जी भैया। नो थैंक यू, हम चले जाएंगे। छोटी बहन की पंडित जी आए हैं। बुलाओ। चुपचाप जी। महादेव रेखा जी, ये क्या हुआ? परसों तक आप ठीक ठाक थी, फिर अब जो हुआ सो हुआ, जिस काम के लिए आए हैं वो काम करें। बुरा ना मानिएगा रेखा जी, शुभ काज के लिए आए हैं लेकिन देख रहे हैं अशुभ। तो हमें ये बताइए कि ये हुआ कैसे, शायद हम आपकी कुछ मदद कर पाए। हाँ, कल सुबह हम अपनी सासू माँ को चाय देने गए थे और सासू माँ चाय किस तरह मत किया करो जब हम योगा कर रहे हो। जा रहे हैं और फिर सीधे फर्श से सिंहासन तक। फोटो कैसे लगी आपको? बहुत ही बेकार। हम अपने बेटे के लिए दुल्हन ढूंढ रहे, कोई आया नहीं। ऐसा ना हो कि हमारा बेटा अपनी दुल्हन को देखिए गाना गाए, बारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। एक एक नंबर की घटिया फोटो लाए आप। मतलब पूरे घर में किसी को ठीक नहीं लगा का? पंडित जी। जी घर में किसी को कुछ लगे ना लगे, हमें ठीक लगनी चाहिए। सोम की माता जी है हम, हमारे अलावा उसके बारे में अच्छा और कौन सोच सकता है? सोम की दादी सोच सकती है।
जोन के लिए लड़की चुनने का अधिकार सिर्फ हमरा है। आप जिंदा हैं अभी? यही तो परेशानी है सासू माँ। हम सोचे कि आपको काहे को परेशान करें। ना ना, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है बहू, क्योंकि जितना दिमाग तुम्हारे पास है ना, है उतना तो हमारा खराब रहता है। इसका मतलब ये है कि हम हमारे होने वाले पुत्रों का फोटो भी नहीं देख सकते। अरे खुदाई कर लो सब कुछ। बाप रे बाप, बुढ़िया तो किसी अभिनेता की रिश्तेदार लगती है भाई। वाली बातें कर रही है आप? तुम इस घर में होता है, आपके घर से तो होता है ना? आपकी मर्जी से। अरे बाप रे बाप, ये तो पूरा कुनबा ग्रेटो का रिश्तेदार है। निकल ले बेटा श्यामलाल, निकल ले, इस खानदान में बहुत ही जहर है। अब आज्ञा दीजिए हमें, हम चलते हैं। दादी कहा हुआ, आप रो गए रही हैं? मैं कहा बताए बबुआ, तुम्हारी अम्मा तुम्हारे लिए लड़की देख रही है। हम बस इतना कहे कि तनिक सोम से भी पूछ लो उसको कौन पसंद है। बंदा जो तुम्हें दब गई मुंह फुला लिया और कहने लगे सोम से पूछने की क्या जरूरत है। मम्मी यार, हाँ कहे, हम कहे हैं कि सोम से क्या पूछना। अब जहाँ सासू माँ तय करेंगी वही होगा ना सोम का ब्याह। अब बताओ का गलत कहा हमने, बताओ का गलत कहा हमने? दादी आप भी ना बच्चों की तरह रूठ जाती है। मम्मी आपसे बाहर थोड़ी है हुँ? और हमारा भी यही कहना है, दुल्हन वही जो दादी मन भाए। सब कुछ आप ही को करना है दादी हुँ? इसी बात का तो अफसोस है हमें भी। हमारा मतलब ये कि अब टूटे टांग से हम कैसे दौड़ भाग करेंगे ना बेटा। अब जो भी दौड़ना भागना होगा वो तो सासू माँ ही करें। मम्मी आपके पैर में चोट है, आप शांति से बैठो ना। अच्छा दादी चलते हैं, दुकान पे बिल्टी की डिलीवरी आएगी तो हमें ही साइन करना पड़ेगा। बिटुआ वो कंचन आ रही है, उसको कछु काम है तुमसे। कब तक आ जाओगे? आध घंटे में आते हैं ना दादी। आना हाँ जल्दी। ए बबुआ I love you। ए बहु जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता काहे देख रही हो? सोम कर गया तो हमारी मर्जी से होगा। हम वो गलती नहीं दोहराएंगे जो रमेश के बाऊजी ने की थी। तुमको घर में लेकर आए थे रमेश के लिए, तो देख लो आज घर में रमेश ही दिखाई नहीं देता, हमेशा बाहर ही रहता है। हमको तो शुरू से ही पता था आपके बेटे को ना अच्छी चीज पसंद ही नहीं। नहीं बहू, तो मामे भी कभी पसंद नहीं आई। अब बेटे के पसंद तो माँ पे ही जाएगी ना। वही तो हम कह रहे हैं, सोम की दुल्हन हमारी पसंद की आएगी। कंचन आज एक रिश्ता लेकर आ रही है, मिल लेना तुम भी उन लोगों से, क्योंकि मिलने के अलावा तुम कुछ कर भी नहीं सकते। पंटू
हमरी तो सिर्फ टांग टूटी है, हम तो तुम्हारी इज्जत की टांग ऐसा तोड़ेंगे ना गंगा देवी। वरवाला तो सोम हमरी पसंद की लड़की के गले में डालेगा, चाहे उसके लिए ब्याह से पहले तुम्हारी फोटो पे मौत माला क्यों नहीं चढ़ानी पड़े। एकदम ही चौकस, अब अम्मा का हम खुद भी नहीं बता सकते रात को यहाँ का कांड हुआ था। घर में इतना काम पड़ा है, तुम यहाँ आंगन में का कलाकारी कर रही हो? अम्मा वो रात को हम सूसू करने आए थे ना, तो हमें आंगन थोड़ा गंदा दिखाई दिया था, बस इसीलिए अम्मा। वाह महारानी, तुमको रात को आंगन गंदा दिखाई दे दिया और दिन में पड़े वो गंदे कपड़े नहीं दिखे। अम्मा वो तो आप कल शाम को ही बताए थे ना, हम अभी कर देंगे फिर। पता नहीं कौन सी मनुष्य घोड़ी में पैदा हुई कर्म चली। अरे तुम्हारी जगह अगर प्रिंस या राजा पहले पैदा हो जाते ना, तो दो बीघा जमीन हाथ से नहीं जाती और तुमसे भी छुटकारा मिलता। सुबह सुबह काहे कोसी उसे? अरे कोसे नहीं तो का करे है? खुद तो चले जाते सुबह सुबह पंडिताई करने और हमको झेलना पड़ता है इनको। बेटियों को भी कोई झेलता है भला? बेटियां तो घर का सम्मान होती है। हाँ, और जब लड़के वाले मुंह खोल के दहेज मांगेंगे ना, तो यही सम्मान जो है ना घर का सारा सामान बिकवा देगा। अच्छा, तभी हमारे शादी के बखत तुम्हारे घर में बैठने के लिए एक चारपाई भी न थी। तो तुम कौन सा खजांची की औलाद थे, जमीन पर बैठने के लायक ही थे, और तुम का खड़ी खड़ी हंस रही हैं? जा जाके बर्तन दो। नहीं गौरा, हमारे साथ जाइए, आओ बेटे। जी, अरे कहाँ ले जा रहे हो, गंगा में डुबाने? शर्म करो लक्ष्मी, शर्म करो, सगी माँ हो इसकी। पता नहीं खुद एक औरत होके एक लड़की के लिए तुम्हारे दिल में इतना क्रोध क्यों है। संक्रांत आ रहा है, जजमान ने कुछ सामान मंगाया, गौरा उसे लाने में मेरी मदद कर देगी। चलो बेटी। और जो यहाँ इतना सारा काम पड़ा है वो कौन करेगा, गौरा का बाप? नहीं, गौरा की अम्मा। चलो भाऊजी, तुम जल्दी से घर का काम कर लेते हैं ना फिर। चलो गौरा। अरे जल्दी से भेजना उसको, हम उसका नहीं खिलाएंगे। बेटा हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द तू अपने घर चले जाए। ठीक है बाबूजी, हम काम खत्म करके आते हैं। अरे हम तोरे ब्याह की बात कर रहे हैं। एक अच्छे परिवार का लड़का हमने नजर में आया है। बाबूजी ऐसी का जल्दी है हमारे ब्याह की, और वैसे भी हम आपसे दूर नहीं जाएंगे। ठीक ठीक, फिलहाल हम जाके उन्हें मना कर देते और कहेंगे कि हमारी बिटिया आपके बेटे से शादी नहीं करना चाहती, हम क्षमा। हमारा मतलब है कि ऐसी भी का जल्दी है, अगली सर्दियों तक आराम से कर देना हमारा ब्याह, और दूर मतलब बनारस में करिएगा ताकि मैं आपसे दूर ना जाए। ठीक है, देखते हैं तेरे लिए बनारस का कोई अच्छा सा लड़का। बाबूजी कितना अच्छा लग रहा है ना, मकर संक्रांति आ रही है ना, कल परसों तो इससे ज्यादा धूमधाम होगी। गौरा बेटा तुम यहाँ रुको, हम अभी आते हैं। जी बाबूजी। अब ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ बेटी, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? गौरा। गौरा तुम तो बहुत प्यारी हो, हमारा आशीर्वाद है तुमको तुम्हारा पति बिल्कुल शिवजी जैसा ही मिले। जी नमस्ते। नमस्ते।
धन्यवाद भैया जी, आपने हमारे लिए इतना कष्ट किया। भैया जी हम वो काम नहीं करते जिससे खुदा मिले, और वो जरूर करते हैं जिससे दुआ मिले। ये लो। धन्यवाद। हो गया काम बाबूजी? नहीं अभी होगा। मैं जी इधर आएंगे ना, ये है हमारी बिटिया गौरा और ये है महेश जी। रिश्ते के लिए बताए थे ना हम तुमको। नमस्कार जी। नमस्ते। चिंता मत करो, बनारस से ही है, थोड़ा बातचीत कर लोगे तो फैसला लेने में आसानी होगी। बाबूजी सीधा ही हम और ये, आप और अम्मा बहन के घर वालों से बात कर लेते तो फिर। बेटा ब्याह के बाद घर की गाड़ी तुम दोनों को चलानी है। तुम दोनों का एक दूसरे को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बाराती हुआ क्या है, खाएंगे चले जाएंगे और घर आती हलवाई का पैसा चुकाएंगे। इनके लिए तो बस यही शादी है। हाँ बेटा मैं सामने मंदिर से आता हूँ, तब तक बात कीजिए आप लोग। जी आते बेटा। बाबूजी हम कैसे। बेटा अच्छा लड़का है। आते। हम तो बस इतना कह सकते हैं कि ब्याह के बाद हम आपके लिए कुछ भी करेंगे। जी हम भी ब्याह के बाद अपने लिए कुछ भी करेंगे। ऐसे जीवन यापन के लिए अभी तो कुछ करते होंगे ना। हम मैनेजर हैं, मणिकर्णिका घाट पर हमारा ऑफिस है, और पिछले महीने हमारे ऑफिस ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा किस चीज का। कम समय में सबसे ज्यादा मुर्दे फूंकने का। अरे वाह मुर्दे तो मुर्दे 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 फूंकने का, आप अपने ऑफिस में मुर्दे फूंक देते हैं। अरे नहीं नहीं आप गलत समझ रही हैं, हमारे ऑफिस के सामने जो शमशान है उसमें फूंकते हैं हम, वहाँ अंतिम संस्कार की सरकारी लकड़ियों का हिसाब रखते हैं और मृतकों की संख्या करके उसका विवरण जनगणना विभाग में भेजते हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि ब्याह के बाद जब आप हमारे ऑफिस में टिफिन लेकर आएंगी तो गर्मा गर्म जितना देखकर वही मर जाएंगे। आप कैसी बातें कर रही हैं। हो गई बातचीत, क्या फैसला लिया बेटा गौरव। आप हमारा ब्याह कर रहे हैं या एक मरकटे से दूसरे मरकटे में तबादला कर रहे हैं। आपको पता है ना हमें मुर्दों से कितना डर लगता है, फिर भी बाबूजी कैसे आप। अरे आप काहे घबरा रही हैं, हम तो। अरे आप बीच में ना बोलिए भैया। भैया बाबूजी आप, हम इनसे ब्याह नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। हाँ शांत बेटा शांत, तुम्हारा ब्याह तुम्हारी मर्जी से होगा। हाँ शांत हो जाओ जी, आप आइए ना आइए। क्या है कि अरे बाप रे, बाबूजी ऐसे कैसे हम नहीं करेंगे किसी से भी ब्याह। राम नाम राम नाम राम नाम राम 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 राम। हाँ बीच सड़क में चली आ रही है आप, उठिए उठिए। आपको कहीं लगी तो नहीं। राम 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 राम। चिंता मत करिए मरी नहीं है आप, चलिए राम 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 चलिए 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 राम 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 बैठिए राम 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 राम। देखिए हमें देरी हो रही है वरना हम खुद आपको घर छोड़ देते। काम कीजिए ये 100 रुपए रखिए, घर जाने के लिए ऑटो कर लीजिएगा। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। गौरा भाग।
बाबू जी पता नहीं कहाँ रह गए, काफी देर हो गई। आपकी पूजा की थाली फल फूल सब कितने ये लीजिए 100 रुपया भी आप रख लीजिए, मैं माफ कर दीजिए। हिम्मत, एक तो अब शगुन कर दिया, ऊपर से पैसा दिखा रही है। चल परदेसी, अंधी गमार कही की, बताओ हिम्मत तो देखो, बित्ती पर लड़की की पैसा दिखा रही है हमको, पैसा एक छापड़ और लगाते ना इसको। चंपकिया चुड़ैल तुमको देखते ही चाटे मारे और भगवान करे कि उठा के ले जाए। चंपकिया चुड़ैल, चंपकिया चुड़ैल।